नमस्कार, पब्लिक एशिया नाइट ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। बीजेपी के सहयोगी दल ही अब उसके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे हैं। आज बुलंदशहर कलेक्ट्रेट परिसर में बीजेपी के सहयोग निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ ही जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। पार्टी के जिलाध्यक्ष नरेश कश्यप ने बीजेपी पर निषाद समाज सहित 17 ऐसी पिछड़ी जातियों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया है, जिन्हें सरकार SC का दर्जा दिलाने की बात कहकर सत्ता में लाई थी, लेकिन आज भूल गई है। निषाद समाज के नेता ने ये भी साफ कर दिया है कि सरकार जल्द इस मामले पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो दिल्ली में निषाद समाज सहित सभी ऐसी पिछड़ी जातियों का बड़ा हल्ला बोल आने वाली 25 तारीख को होगा, जिनसे बीजेपी की योगी सरकार ने वादा खिलाफी की है। क्या कहना है नरेश कश्यप जिलाध्यक्ष का, आइए सुनते हैं। निषाद समुदाय की 17 अति पिछड़ी जातियाँ जिन्हें OBC जाति का सर्टिफिकेट दिया जाता है, हमारी मांग है। भारतीय जनता पार्टी ने हमसे वादा किया था कि उन्हें SC का सर्टिफिकेट मिलेगा, उनके बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बड़े बड़े कॉलेजों में मालदारों के बच्चों के साथ पढ़ेंगे। उस वादे को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं करा है। सारा निषाद समुदाय भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी से रुष्ट है। भारतीय जनता पार्टी को अपने मित्र दल निषाद पार्टी से किए हुए वादे को पूरा करना चाहिए एवं मल्ला केवट बिंद हमारी 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का लाभ आरक्षण देना चाहिए। हमारे बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है निर्बल गरीब शोषित वंचितों की आवाज दिल्ली संसद भवन तक पहुंचाने के लिए। तो ज्ञापन किनके माध्यम से, किनके लिए ज्ञापन दिया गया? जिला अधिकारी बुलंदशहर जी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को यह ज्ञापन इस बाबत दिया जा रहा है कि या तो वो हमारी मांगों को मान ले, अन्यथा 2022 के आने वाले चुनावों में निषाद कर लगा भाजपा का सूपड़ा साफ कर देंगे। आप सहयोगी दल हैं, उसके बाद भी आपको सड़कों पर आना पड़ रहा, क्या वजह है? वादा याद दिला रहे हैं प्रदेश सरकार को उसका वादा याद दिलाने के लिए, क्योंकि प्रदेश की आबादी 35 करोड़ के समथिंग है। प्रदेश सरकार को उसका वादा याद दिलाने के लिए, निर्बलों की आवाज वहां तक पहुंचाने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ा। आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग 25 तारीख को अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, दिल्ली जंतर मंतर पर ऐसा आंदोलन किया जाएगा कि पूरे देश के अंदर निषादों की एकता हो जाएगी और सरकार को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।